कंस्ट्रक्ट इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के फर्स्ट एपिसोड में साहिबाबाद से लेकर दुहाई के बीच में बनाई जा रही 17 किलोमीटर का पायलट सेक्शन अब बन करके तैयार हो चुका है। तो हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद और फर्स्ट राइड लेने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं गाजियाबाद आरआरटीएस का जो काम कंप्लीट हो चुका है, प्लस स्टेशन बिल्डिंग का, और ये पार्किंग के लिए जगह बनाई गई है जो आप इस विजुअल में देख पा रहे हैं। ये गाजियाबाद आरआरटीएस के बाहर का व्यू है। तो आगे बढ़ते हुए स्टेयर से गाजियाबाद आरआरटीएस जो स्टेशन बिल्डिंग है उसके अंदर एंट्री ले रहे हैं। सारा चीज़ बन करके तैयार हो चुका है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और हम एक्सीलेटर पर आ चुके हैं और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं टिकट लेने के लिए। तो गाजियाबाद आरआरटीएस के फर्स्ट फ्लोर पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और इसके ऊपर सेकंड फ्लोर के ऊपर हम चढ़ रहे हैं एक्सीवेटर से जो कि बन करके तैयार हो चुका है। और आप देख सकते हैं कितना शानदार बन करके तैयार हो चुका है ये गाजियाबाद आरआरटीएस का स्टेशन जो कि प्रायोरिटी सेक्शन के अंदर आता है 17 किलोमीटर का। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं आरआरटीएस का थर्ड फ्लोर है जहां पर काम कंप्लीट हो चुका है। एक्सीवेटर सारे बना चुके हैं और यहां पर स्टॉल वॉल लग सकते हैं जिसे हम फिर वीडियो देख रहे हैं। और आगे बढ़ते हुए हम स्टेयर से ऊपर बढ़ रहे हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं ये पूरा स्टेशन बिल्डिंग जहाँ पर टिकट लेने के लिए टिकट वेंडिंग मशीन, साथ में पेटीएम से भी पे करके हम ले सकते हैं, काउंटर से भी ले सकते हैं। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने टिकट ले लिया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद आरआरटीएस के प्लेटफॉर्म पर जहां पर चार प्लेटफॉर्म बनाए गए। फ़िलहाल में दो प्लेटफॉर्म कार्यरत है और बाकी फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए बनाई गई है जो कि तीन लाइनें बन चुकी है पर अभी एक पर काम बाकी है। मेरे सामने आप देख सकते हैं कितना शानदार बन करके तैयार हो चुका है ये गाजियाबाद आरआरटीएस स्टेशन। और सामने लिफ्ट भी बनाई जा चुकी है जो कि कार्यरत है, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। और यह प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। कुल 4 प्लेटफॉर्म है इस गाजियाबाद आरआरटीएस का और हमें एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जाना है क्योंकि दुहाई की तरफ हम इस पूरे सफ़र का आनंद लेंगे गाजियाबाद से लेके दुहाई टीपू तक। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं नमो भारत ट्रेन पहुँच चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर। मेरे सामने आप देख सकते हैं ये बोर्ड लगाया गया है कि कितना स्टेशन होगा, क्या होगा, ये सारा इन्फॉर्मेशन इस पर दिया गया है। और जो ब्लू लाइन है वहाँ पर मेट्रो बनाया जाएगा मोदीपुरम में। और ये जो रेड लाइन जो दिख रहा है सीबीसी, यही है गाजियाबाद का आरआरटीएस का सारा स्टेशन जो कि फ्यूचर में होगा। अभी तो 17 किलोमीटर का पायलट सेक्शन ही शुरू हुआ है और आगे 2025 जून तक सारा कम्प्लीट होने का उम्मीद है। तो आगे के वीडियो में आते हैं। तो ये स्टेयर्स देख सकते हैं जो कि नीचे की तरफ जाता है कॉन्कोर्स की तरफ, और हम दुहाई की तरफ चलेंगे तो दूसरी प्लेटफॉर्म पर जा रहे हैं हम। जैसा कि मैंने पुराने वीडियो में बताया कि यह पूरा जो आरआरटीएस है मल्टी मॉडल तर्ज पर बनाया जाएगा, हर एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा। तो मेरे सामने आपने देखा कि रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन जो शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन है गाजियाबाद में, और उससे भी कनेक्ट किया जाएगा जो कि अभी इसका काम बाकी है। तो मेरे सामने आप ये देख पा रहे हैं गाजियाबाद आरआरटीएस का प्लेटफॉर्म नंबर 1 जो बनकर के तैयार हो चुका है और स्क्रीन डोर लगाए जा चुके हैं और यह ट्रेन आने पर ही खुलती है। और जानकारी के लिए बता दें एक कोच वीमेन के लिए और एक प्रीमियम क्लास का कोच होगा इस पूरे नमो भारत ट्रेन में और बाकी सारे नॉर्मल क्लास होंगे। तो आज गाजियाबाद से लेकर दुहाई डिपो तक
का सफ़र करेंगे इस नमो भारत ट्रेन में, जो कि आगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो शानदार ये बनकर के तैयार हो चुका है गाज़ियाबाद का आरआरटीएस स्टेशन, जो इस वीडियो के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो अब मैं बैठ चुका हूँ ट्रेन के अंदर और पूरे ट्रेन के अंदर का इंटीरियर व्यू दिखाऊंगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। तो इस नमो भारत ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 160 होगी और एवरेज स्पीड 100 होगी इस नमो भारत ट्रेन की। तो देश की पहली रैपिडेक्स सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जो कि 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन में बनकर के तैयार हो चुका है, और गाज़ियाबाद से लेकर दुहाई टीपू तक हम इसमें सफ़र कर रहे हैं, और इसका पूरा इंटीरियर व्यू आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं ये आरआरटीएस का जो डोर है अभी बंद है, और प्लेटफॉर्म आते ही ये ग्रीन जो लाइट है वो ग्लो होगी, और इस तरह से दबाते ही यह डोर ओपन हो जाएगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगी, जो आगे इस वीडियो में आप देखेंगे। तो मोबाइल को चार्ज करने के लिए चार्जिंग सॉकेट लगाई गई है, जो कि यूएसबी टाइप है, जो आप इस वीडियो में यहाँ पर देख सकते हैं। और जानकारी के लिए बता दें, हर 15 मिनट के इंटरवल पर यह नमो भारत ट्रेन उपलब्ध होगी, जो कि फ्यूचर में इसका टाइमिंग 5 से 10 मिनट भी हो सकती है। तो बदलते भारत की तस्वीर बदलता यह रैपिडेक्स, जो कि नमो भारत के नाम से अब जाना जाएगा। कितना शानदार व्यू है आप इस विजुअल में देख सकते हैं। तो अब हम प्रायोरिटी सेक्शन के लास्ट स्टेशन जो दुहाई डिपो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, और यह कर्व देख सकते हैं कि दुहाई डिपो की तरफ चली जाती है, और इससे आगे का जो ट्रैक है जो मोदीपुरम की तरफ जाती है वह अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जून 2025 तक यह बनकर के तैयार हो जाएगी। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं आरआरटीएस का दुहाई टीपू का स्टेशन, जो कि काफ़ी शानदार बनकर के ये भी तैयार हो चुका है, और यह प्रायोरिटी सेक्शन का लास्ट स्टेशन है। और आप इस इमेज में देख सकते हैं यह सारा मैप, और यह दुहाई डिपो का प्लेटफॉर्म है, जो इस विजुअल के माध्यम से आप देख पा रहे हैं। तो मेरे सामने आप देख सकते हैं ये फाउंटेन लगाया गया है पानी पीने के लिए, जो कि नीचे से बटन दबाने पर निकलता है। दुहाई डिपो स्टेशन पर दो प्लेटफॉर्म है, और इससे आगे इसका डिपो बनाया गया है, जहाँ पर सारा नमो भारत ट्रेन का मेंटेनेंस और सारा काम किया जाता है। तो इस विजुअल में आप देख सकते हैं दुहाई डिपो का ये प्लेटफॉर्म, जो अब कंप्लीट हो चुका है प्रायोरिटी सेक्शन के अंदर। तो मेरे सामने आप जो विजुअल देखेंगे वो प्रीमियम लाउंज है, जिसके एंट्री करने के लिए अलग से टिकट लगती है। जो प्रीमियम क्लास की जो टिकट होगी उससे यह डोर्स ओपन होंगे, यहाँ पर वेंडिंग मशीन और बैठने के लिए स्पेशल सुविधा उपलब्ध होगी, जो आगे इस वीडियो में आप देखेंगे। इस पर्टिकुलर स्थान को बनाया गया है इस प्रीमियम लाउंज के अंदर,
और ट्रेन में भी वेंडिंग मशीन और काफ़ी चीज़ लगाई जाएगी। तो अब हम पहुंच चुके हैं प्लेटफॉर्म से बाहर, जहां पर आप देख सकते हैं कि सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और यह प्रायोरिटी सेक्शन का जो कि सारा चीज़ ये टिकट वेंडिंग मशीन है, और साथ ही में पेटीएम और किसी भी माध्यम से आप टिकट ले सकते हैं। और ये वीडियो को पोज करके देख सकते हैं कि कितना प्राइस होगा प्रीमियम में, जितना भी प्राइस नॉर्मल का उसका डबल प्रीमियम क्लास में लगेगा। तो अब हम दोहाई डिपो स्टेशन बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं और बाहर का व्यू आप देख सकते हैं। और यह दोहाई डेपो का जो मेंटेनेंस यार्ड है वो इस विजुअल में आप देख पा रहे हैं, जो दोहाई डिपो से आगे है। और ये मेरे सामने आप देख सकते हैं दोहाई डिपो का बाहर से व्यू। चुके हैं दोहाई डिपो, और गाज़ियाबाद से लेके दोहाई डिपो तक मुझे 30 रुपया नॉर्मल क्लास में लगा, जो कि प्रीमियम क्लास में ज़्यादा है। तो दोहाई डिपो हम पहुंच चुके हैं, और 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन का अपडेट आपने इस वीडियो में देखा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। इसी तरह वीडियो देखने के लिए इस चैनल को कर सब्सक्राइब। आप सभी के सपोर्ट के लिए धन्यवाद।